सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी भाई अच्छे हो गए। वीडियो का टॉपिक क्या हो, मेडिकल रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। चार चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपका इन चारों चीज़ों में पॉइंट्स नहीं बनता या आपको ये चारों चीज़ें क्लियर हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज आप रुक सकते हो अगर कोई दिक्कत ना हो आपको तो। ठीक है, आपके लिए मैं भी बेनिफिशियल होने वाला है। कौन सी चार चीज़ें पहले वो बता देता हूँ, अदर्स भी आपके डाउट्स बनते होंगे। लाइक जैसे कल मैंने बनाया एक वीडियो मेडिकल रिगार्डिंग, उसमें मैंने तीन चीज़ें पे बात किया था। जैसे आईज के बारे में बोला था, डीएनएस के बारे में बोला था, और एक चीज़ मैंने और कुछ बोला था ईसीजी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल में कैंडिडेट आउट होते हैं प्री मेडिकल। इन तीन चीज़ों के बारे में बात किया था। वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे दे दूंगा। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स है कि बहुत ज़्यादा लाइक मेडिकल रिगार्डिंग फ्लैट पुट। तो देखो धीरे धीरे करके यार सब कुछ कर देंगे, एक एक पॉइंट सब कुछ बता देंगे फुल मेडिकली। अभी जब वो आएगा ना, लाइक जो आपका हैंड बैंड होता है, फ्लैट पुट होता है, वो सब करके बताएंगे। सो टेंशन ना लेना आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे मेन टॉपिक आपको बता देता हूँ। सो आज की वीडियो में चार चीज़ें, ठीक है, मेडिकल रिगार्डिंग ही। कौन कौन सी? पहला नंबर चेस्ट का, यार चेस्ट कितना होना चाहिए। किसी किसी का बिल्कुल अंदर की ओर चला आता है, किसी का बिल्कुल बाहर चलता भी है, तो जैसे कि उसका चेस्ट ही बाहर निकला चला आ रहा है, बिल्कुल जैसे कि डरा देगा मुझे चेस्ट से। पहला नंबर चेस्ट। दूसरा नंबर आपका हाइट, और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट, ठीक है। तो और चौथा नंबर, तीन हो गए ना, चौथा नंबर आपका आ जाता है कौन सा? टीथ, ठीक है। तो टीथ के बारे में भी आज मतलब डिस्कस कर लेंगे। वन मोर थिंग और बता देता हूँ, यार मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ, स्पेशली जो चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, उस बेसिस पे मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मे बी उससे आपको जरूर फायदा मिलता होगा। हाँ, बट वन मोर थिंग मैं पहले बताना चाहूँगा, देन वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मतलब वीडियो पे वापस आता हूँ। यार अनअकैडमी का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप में से जितने भी लोग यूज करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो कर लेना। और एक चीज़ और बताऊँ, अनअकैडमी फ्री टाइम से पर वीक आई थिंक आपको फ्री में टेस्ट मतलब कंडक्ट कराता है, तो आप सभी दे लिया करो यार, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो लोग आपको रुपए पे करते हैं, आपको कोई भी पे नहीं करने होते। 5,000 रुपये आपको फर्स्ट रैंक पे मिल जाता है, सेकंड रैंक पे 3,000 मिल जाते हैं, और थर्ड रैंक पे 2,000 मिल जाते हैं। चार से मतलब 4 to 10 के बीच में अगर आप आते हो तो 1,000 आपको वो देते हैं। उससे बड़े बड़े भी टेस्ट वो लोग कंडक्ट कराते हैं। सो डैम श्योर आपको करना चाहिए, 20 तारीख को होने वाला है आपको यूशियल पे, मीन्स 20 तारीख को आपको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा अनअकैडमी के थ्रू। वो हर एक वीक पे कंडक्ट कराया जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हाँ, वन मोर थिंग और बता देता हूँ, आप में से जो भी लोग यार बाई करना चाहते हो, एनडीए का, नेवी का, एयरफोर्स का, अगर कोर्स वगैरह बाई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसे रुपये अगर देने हैं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे कोर्स, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, बेस्ट टीचर्स वहाँ पे इंडिया 32 टॉप 32 टीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वो जो आप पढ़ाएंगे तो आपको बेस्ट ही लगने वाला है यार, और बेस्ट कंटेंट रहता है, बेस्ट सभी जानते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अगर बाई करना है तो अपना कूपन कोड जरूर डालना, ऑनलाइन D50 है अपना कूपन कोड वहां भी, और 10% आपको उसका डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई दिक्कत है उसके रिगार्डिंग तो जरूर बताना। बाकी वहां पे एनडीए के लिए भी कोर्स वगैरह, हर एक चीज के लिए यार कोर्स है वहां पे। तो अगर कोई भी बाई करना तो डेफिनेटली अपना कूपन कोड यूज करना है, या कोई बाई कर रहा हो तो अपना कूपन कोड यूज करने के लिए कहना। बाकी चलो, आपके जो भी डाउट्स होंगे अपन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, चेस्ट से, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना यार। चेस्ट में बताऊँ ना, चेस्ट तो वैसे चेक ही नहीं होता, लेकिन चेक भी करते हैं, बोलते हैं 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन, पहले ऐसे नॉर्मल नाप लेते हैं, उसके मेजर करने के बाद आपको बोलते हैं 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए, ठीक है। तो आर्मी का मेडिकल तो है नहीं कि आपको चेस्ट से बाहर कर देंगे। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का मेडिकल किसी भी कंडीशन में, आज तक यार 5-6 बार मेडिकल हो गया नेवी एयरफोर्स लगा के, और कभी भी इसमें नहीं फंसे, मतलब चेस्ट में कोई भी नहीं फंसा बंदा, सबके सब क्लियर कर जाते। सो लेकिन हाँ, फुलाना होता, चेस्ट वाला टास्क होता जरूर है कि 5 से मतलब 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंस, बिल्कुल ब्रीथ को थोड़ा सा ऊपर करना होता और आपका चेस्ट थोड़ा सा आगे आ जाता, बस मेजर हो जाता, वो लोग लिख भी लेते हैं 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करना होता, ये फर्स्ट नंबर होता है। तो चेस्ट में कोई आउट भी नहीं होता, तो चेस्ट का तो मैंने एक ऐड पॉइंट बढ़ाने के लिए ऐड कर लिया था, हो गया। अब सेकेंड क्या आता है, वैसे मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड शो कर दूंगा जो मैंने खुद अपने मतलब कानपुर सेंटर से खींची थी पिक्स, मतलब सर ने दीवार पे लगा दिया था हाइट वेट चार्ट, और उसे पिक उन्होंने बोला था जिससे अपना हाइट वेट चेक करना हो, जाके दीवार पे हमने लगा दिया, आप जाके चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो। सो दौड़ के गए, फोटो वोटो ले ली थी उसका, और आई का भी मैंने कानपुर सेंटर का लिया था। किसी दिन मैं आपको उससे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपका मेडिकल कभी भी कानपुर पे है तो आई वाला चार्ट देखना चाहते हो, यार आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे वैसा कोई नहीं है कि किसी को मिसयूज कर रहा हूँ, बट मेरा फ़ायदा ये है कि मैं आपके फायदे की बात करूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ तो मैं हाइट वेट चार्ट वाला यहाँ पे शो कर दूंगा, क्या होता है हाइट वेट, एग्जांपल से मैं डिस्कस करता चलूंगा किसका हाइट कितना होना चाहिए। देखो वैसे वहाँ पे उस चार्ट में दो क्राइटेरिया थे, अगर आपका एज 18 साल से ऊपर है तो पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर एक साइड पे आपका हाइट,
दूसरे पे अगर आपका एज 18 मतलब साल से नीचे है, आपने फॉर्म फिल किया, आपने क्लियर भी किया है, करते हैं 16.5 से फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा और तीसरा जो आता है 18 से ऊपर अगर आपका एज है, तो तीनों में डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे भाई वेट बताने वाला हूँ, लगभग 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, ठीक है, बताने वाला हूँ। बाकी मैं चार्ट भी यहाँ पे शो कर दूंगा कुछ क्रॉप्स कर करके, तो आप देख भी सकते हो अगर दिखे। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ब्लर हो जाता है यार, थोड़ा सा अच्छा नहीं आता स्क्रीन पर इस वजह से, ठीक है। तो देखो 18 प्लस वालों के लिए मैं वेट बोलूंगा कि इतने से इतने के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आपका 18 से नीचे है तो पर में 2 kg कम करते जाना। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपका हाइट एक 155 है, ठीक है, हाइट 155 सेंटीमीटर पे है एग्जांपल के लिए, तो आप कैसे, तो आपका वेट जो है 18 साल से अगर आप ऊपर हो तो 42 kg से 55 kg के बीच में होना चाहिए, आप आउट नहीं होगे। अगर आपका 56 से 57 हुआ ना यार, बहुत आउट करते हैं, मेडिकल पे भी इस पे आउट होते हैं। मैंने एक बंदे का इंटरव्यू दिया था, निखिल नाम था यार, 3 बार उसने, इस बार भी उसका एयरफोर्स क्रैक हुआ है, और मैं आपको कभी किसी दिन इंटरव्यू ला के उसके पास जाना पड़ेगा, लगभग जहाँ से मैं हूँ 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन जाऊँगा जरूर, ठीक है। तो उसका फिर से निकला है, और है क्या, हमेशा वो मेडिकली वो भी आउट होता है, लेकिन किस में वो आउट होता है, वेट में, उसका वेट बहुत कम है, हाइट 170 हो जाता है और वेट आई थिंक उसका 45 kg ही बनता है, तो इस वजह से वो हमेशा आउट हो जाता है। सो मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ, आप मतलब देखते रहना, ठीक है। अगर आपका हाइट 155 है तो आपका वेट होना चाहिए 42 to 55, मतलब 42 से लेके 55 के बीच में। अब जैसे आपका 155, 166, 167 है, तो भाई मतलब 156, 156, 157 है, तो आपका इतना ही होना चाहिए एवरेज प्लस माइनस। अब मैं 160 पे सीधा पहुँचता हूँ, लेकिन अगर आपका एज भाई 18 साल से कम है तो इसमें 2 kg कम कर लेना। लाइक अगर मैं 155, अगर आपका हाइट है 18 साल से आप कम हो, तो आपका वेट होना चाहिए 40 किलो मिनिमम और मैक्सिमम 53 किलो, कोई दिक्कत, मतलब 53 kg, ठीक है, हिंदी पे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कोई दिक्कत का सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगर आपका हाइट 160 है देन आपका वेट होना चाहिए 45 to 58, अगर 160 अगर भाई आपका हाइट है, ठीक है, सेंटीमीटर पे बात कर रहा हूँ, तो आपका जो वेट होना चाहिए 45 टू 58 के बीच में होना चाहिए। अगर 165 आ जाता है तो 48 to 61 के बीच में आपका होना चाहिए वेट, बिल्कुल एग्जैक्ट है, रियल है, जेन्युइन है, आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, मैंने खुद यार स्क्रीनशॉट लिया था, मानना हो तो मानो, नहीं तो जो भी बकना हो बको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। अगला, अगर आपका 170 है, कितना है 170, तो 170 के लिए आपको 50, मैंने एग्जैक्ट हर एक डिजिट तो याद नहीं, मैं जैसे मैं बोलूँ 169 है मेरा, तो बोल रहे थे कि आपका 61 और 60, मेरा उस टाइम पे 60 था ऑलमोस्ट, अभी 62 है, तो इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा यार वेटेड नहीं चलता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो जैसे कि 170 है तो आपका 51 मिनिमम होना चाहिए और 64 मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपका हाइट 170 है तो 51 मिनिमम होना चाहिए और 64 मैक्सिमम। 175 है अगर आपका हाइट, इसके बीच में है तो यार थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हो, बाकी मैंने अब हर एक डिजिट का नहीं बता सकता, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर आपका हाइट 175 है तो कितना होना चाहिए, 54 to 67, ओके। अगर आपका 180 है तो 57 to 70, अगर आपका 185 है तो 61 to 74, अगर आपका 190 है तो 64 to 77, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं होगा इसका स्क्रीनशॉट्स अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ पे देख लेना, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा ब्रदर। आगे बढ़ते हैं, हाइट वेट हो गया ना, और हाइट वेट पे ऐसा नहीं है कि कैंडी आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका मतलब अकॉर्डिंग ही आपका वेट मेजर किया जाता है, जितना आपका हाइट उतना आपका वेट, ठीक है। तो हाइट वेट, और ऐसा नहीं है कि आपका अगर 2-3 किलो वेट कम ज़्यादा हुआ तो भी आपको आउट कर देते हैं। जैसे आप इनरोलमेंट के लिए गए एयरफोर्स पे और वहाँ पे इनरोलमेंट आपका होना है और वहाँ पे आपका वेट ज़्यादा निकल आता है, पहले आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, आपका मेरिट आ गया, आप पहुँच गए मेडिकल पे, मतलब फाइनल इनरोलमेंट पे, वहाँ पे फिर से आपका प्री चेक होता है सब कुछ थोड़ा मारा, तो जैसे वेट वेट तो आपका एक क्राइटेरिया होता है, उससे 2-3 किलो ज़्यादा हो गया तो फिर से आपको भाई रीमेडिकल दे देंगे, जाओ घूम के आओ, ऐसा कुछ, फिर आपको अगर कम कर लिए तो फिट कर लेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये हुआ किसका, हाइट एंड वेट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल, टीथ का। अब टीथ के देखो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लाइक पहले तो नंबर, पहला नंबर यार क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ भी होता है चल जाते हैं, बट मैं कुछ चीज़ें पहले बताता हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ यार, कुछ मिस्टेक हो जाए तो बताना, बट अपना जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। होता क्या, 32 दांतों को ले मतलब 32 टीथ्स को लेके पंगा होता है, भाई मेरे 32 नहीं है, जरूरी थोड़ी 32 हों यार, ठीक है, वो मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप बढ़ते रहते हैं, बाकी यही चीज़ है भाई, मसाला भरा लें
चल जाता है मेडिकल में। बहुत ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो मसाला वसाला फिल करा के आते हैं, भर जाते हैं। जब आपका मेडिकल देने जाओगे ना, तो उसमें लिखा होता है मेडिकल लेटर में कि आपका जो मतलब टीथ वगैरह का जो जैसे इसका ईयर का वैक्स क्लीन एंड क्लियर करा के जाना होता, 14 आवर एक वो पहले कुछ खा के नहीं जाना होता, एयरफोर्स मेडिकल का मैं बता रहा हूँ, आपका टीथ क्लीन एंड क्लियर करा के जाना होता है, ठीक है। सो देखो, जैसे आपको मैं टोटल बताऊँ तो 4 पार्ट में अपने टीथ डिवाइड होते हैं, मतलब जैसे ये मिडिल होता है, तो भाई इसके इधर के मतलब ऊपर के मतलब इधर 8 होते हैं, 8 इधर 1 2 3 4, मतलब कि टोटल 16 और 16 16 32, और 22 डेंटल पॉइंट होते हैं टोटल, लेकिन होने कितना चाहिए 14 अगर आपके हैं तो आप फिट हो। बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो इस टीथ वाले पॉइंट में फंसते हैं, बट आपका होगा किसी का दांत टूटा हुआ है या किसी का गैप ज़्यादा है, तो भाई उसमें बन रहा होगा भाई मतलब किसी का होगा जैसे दांत खोखले हो जाते हैं, ठीक है। इधर जा है जैसे आपका इधर एक फ़ोटो क्लिक करूंगा उसमें आप देख लेना, ठीक है। जा में अगर बोलोगे कि अंशु भाई थोड़ा सा मतलब खाली हो गया है उसे फिल करा लें, तो फिल करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें आउट नहीं करते हैं यार, सिंपल से ऐसे लॉजिकल देखे हैं बंदे, ठीक है। बाकी और मतलब मेडिकल आपके टीथ्स वगैरह से डाउट बन रहे होंगे, टूटे उटे हैं सामने के, भाई सिंपल से बात है, अगर इधर के मैं कहता हूँ सामने के इधर के टीथ टूटे हुए हैं तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। सामने के अंदर अंदर के नहीं, या फिर से लगवा लो, वो चल जाता है, वो जान नहीं पाए अगर अच्छे ऐसे ही नॉर्मल चेक करते हैं यार। प्री मेडिकल थोड़ा सा ऐसे ही होता है, अगर री मेडिकल में गए तो उसी चीज़ को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मैं मेडिकल गोरखपुर देने गया तो मुझे उसी वाले सर्जन के पास जाना था जो आईज का स्पेशलिस्ट था, मुझे 3 दिन रुकना पड़ा था, किस लिए, क्योंकि उन्हीं के पास यार वो चेकअप होता था। वो जैसे उधर गया क्या बोलते हैं जालंधर पंजाब पे, तो उधर क्या हुआ, उधर केवल उसी दिन हो गया था, लेकिन है कि उसी दिन केवल स्पेशलिस्ट आने थे और मैं उसी दिन पहुंच गया था, तो सेम नहीं तो 1 वीक वेट करना पड़ता है। लेकिन हो जाता है कभी कभी ऐसा कि बाई मिस्टेक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेम चीज पे आउट किया जाए, ठीक है। बाकी ये टीथ का पंगा था, टीथ वगैरह आपका बिल्कुल हमेशा क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, मसाला फिलिंग करा सकते हो, और इसके अगर टूटे उटे हों तो अगर नए लगते हों तो लगवा लो यार, ज़्यादा कुछ मुझे इस रिगार्डिंग पता नहीं है, ठीक है। बाकी जो अपना क्लियर था पहले ही बता दिया कि फेक मार दें कि कुछ भी हो ऐसा वैसा, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया है। बाकी नेक्स्ट कुछ फिर से बात करेंगे मेडिकल रिगार्डिंग जल्दी। बाकी आपके जो भी डाउट्स बनते हैं उन्हें कमेंट्स करना, मैंने इनको पहले पिक किया है, बाकी फिर नेक्स्ट मैं पिक करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।